अभी पीछे हमने सुना था कि आपको पुलिस वाले एमसीडी वाले बहुत परेशान कर रहे थे। किसको नहीं करते, किसको नहीं करते, किसको नहीं करते। यूट्यूबर की भाषा में बोलूं तो संदीप वगैरह दीक्षित में घमंड आ गया। यूट्यूबर की भाषा में बोलूं। अच्छा, और अपनी बात हमें एक्सप्लेन करती हूँ मैम से करती हूँ। मैम आपने 15 मांगे, पीछे मैम को एक बड़ा उठाना है, आपको नहीं मिलेगा मैम, बुरा लगेगा ना, बहुत ज्यादा लगेगा ना। सुन लो, ये मेरी भाषा थी, यूट्यूबर की लैंग्वेज सुना थी मैंने कि मैडम में घमंड आ गया। अभी आपने बोला कि यूट्यूबर्स बिस्तर लगा के सो गए, मतलब मैम ये मेरे पास भी रील आई थी, किसी लड़की ने बोला है यूट्यूबर वही बिस्तर लगा के सो गए। अच्छा, मतलब खाने की इतनी गलत थी या वीडियो बनाने की? पता नहीं मैम, ये तो आप ही पता करो। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा क्या है आपके वड़ा पाव में कि मैं यहाँ देख रही हूँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई है? मैं वड़ा पाव लेके भाई खाएंगे अभी, इनसे पूछिएगा। अच्छा, तो आपने वड़ा पाव में अपने मुंह से अपनी तारीफ कैसे करूँगा? आपने वड़ा पाव क्यों चूज किया, कुछ और क्यों नहीं सोचा? मैम मेरा वड़ा पाव बहुत फेवरेट है। अच्छा, इतना ज्यादा ऑयली और सारी चीजें नहीं होती है, इजी टू लिया, बंदे ने चलते फिरते खा लिया सारी चीजें, ऑफिस वाली बनती थी तो यही चीजें पसंद करती थी। अच्छा, इसलिए आपने सोचा वड़ा पाव खिलाया जाए? मेरा फेवरेट है मैम। अच्छा, आपका फेवरेट है कि आपने सोचा कि सबको खिलाया खिला जाए, थोड़ा छोले भटूरे से बाहर निकाला जाए, मतलब इजी टू कंज्यूम है, कोई भी चलता है साथ में जा सकता है, इजीली खा लेगा। और टच वुड, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कस्टमर ने ये रिव्यू दिया कि यार एक क्वेश्चन है। तो आपको वैसे कितना टाइम हो गया ये देते हुए? क्या सर, वड़ा पाव देते हुए कितना? 1.5 साल से मुझे ऊपर हुआ है। 1.5 साल से ऊपर, मतलब ऐसी भीड़ लेकिन अभी हुई है एकदम से? चार अलग, दो अलग प्लीज, फिर मैं इनसे किनसे लूंगा सर, आपको दूंगा पीछे तक हो जाएगा ये चीज, प्लीज मेरे लिए, मेरे लिए तो मैं रह जाऊंगा। करो पाँच, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? छह आपको खाने के लिए दे रहे हैं, चलो अरे ये कर देती हूँ। ऐसे क्यों कर रहे हो कि पाँच पैक कर रहे हो, छह एक खाने के लिए? यूट्यूबर की भाषा में बोलूं तो संदीप वगैरह दीक्षित में घमंड आ गया। यूट्यूबर की भाषा में बोलूं। अच्छा, और अपनी बात हमें एक्सप्लेन करती हूँ मैम से करती हूँ। मैम आपने 15 मांगे, पीछे मैम को एक बड़ा पाव खाना है, आपको नहीं मिलेगा मैम, बुरा लगेगा ना, बहुत ज्यादा लगेगा ना। सुन लो, ये मेरी भाषा थी, मिले इसलिए आपने लैंग्वेज सुना दी मैंने कि मैडम में घमंड आ गया। तो कितने देते हो एक बंदे को? चार पैकिंग जाएगा और खाने के लिए अनलिमिटेड। अच्छा, और अभी पीछे हमने सुना था कि आपको पुलिस वाले एमसीडी वाले बहुत परेशान कर रहे थे, किसको नहीं करते? आपको ऐसा नहीं हो रहा? नहीं मैम, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब गाइस देख सकते हो आप, कंटिन्यू जो है यहाँ पे हमारे वड़ा पाव लग रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है दीदी के पास उनसे बात करने के लिए, भीड़ देख सकते हैं। ये देखो कहाँ तक लोग खड़े हुए हैं, वड़ा पाव करने। तो मैंने सुना आपको कोई ऑफर है 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को कुछ ऑफर निकाल रहे हो आप प्यारे क्रिसमस के लिए? बेटी का बर्थडे है मैम। अच्छा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वड़ा पाव रहेगा। अच्छा, तो जैसे पैकिंग में अभी आपने चार लिमिट रखी हुई है, तब क्या होगा पैकिंग के लिए? नहीं, पैकिंग नहीं रहेगी मैम, खाने के लिए। खाने के लिए कितने ले सकते हैं तब? तब कोई लिमिट होगी? कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप 30 अप्रैल को आ सकते हो। जो दीदी है इनके बेटे का बर्थडे है, इसलिए फ्री में लंबा सेवन निकालेंगे, जितने मर्जी आके इनके वड़ा पाव खा सकते हैं। तो चलते हैं, हम भी एक वड़ा पाव लेते हैं और टेस्ट करते हैं, आपको टेस्ट बताते हैं कि क्या इस भीड़ में लगना फायदेमंद है या नहीं। बस ये देखिए, इस तरीके से हमारे यहाँ वड़ा पाव लग रहे हैं, उसके बाद चटनी लगा के, गर्म पाउडर लगा के अभी वड़े लगाए जा रहे हैं, बढ़िया तरीके से बन रहे हैं। तो चलते हैं, मेरी प्लेट लगवाते हैं, हम भी एक बार टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसे है। 50 रुपये। तो भाई हमारा वड़ा पाव आ चुका है, आपने देखा कितना बढ़िया से बनाया है, टेस्ट करते हैं क्या इतनी देर लगा के जो लोग भीड़ में खड़े हैं फायदा है उसका। टेस्ट तो मुझे अच्छा लगा, मतलब एक बार आके आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपने आना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, पीतमपुरा में काफी ज्यादा फेमस है, आप किसी से भी पूछोगे कोई भी आपको बता देगा लोकेशन। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट कर देना।